गुड मॉर्निंग क्लास। एनिमल किंगडम ये चैप्टर लगभग एंड होने वाला है, ठीक है। आपको हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, बहुत सारे फाइलम बता दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लास भी हम बता रहे हैं, ठीक है। मैमेलिया क्लास तक हमने बता दिया है आपको, एवियंस बताया, एम्फीबियंस बताया, रेप्टाइल्स बताया, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस बताने जा रहे हैं, डिफरेंस जो कार्टिलेज फिश और बोनी फिशेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक। अब हम बात कर लें क्या है, ये हमारी कार्टिलेज है, कार्टिलेज किस, ये हमारी बोनी फिशेस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, हैबिटेट की हम बात कर लें। हैबिटेट में कहाँ ये पाई जाती है, ठीक है। हैबिटेट क्या है, ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ऑलवेज जितनी भी कार्टिलेज फिशेज होती है वो ऑलवेज मैराइन में समुद्रों में ही पाई जाती है, ठीक है। जबकि बोनी फिश क्या होती है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में एंड मराइन दोनों जगह पाई जाती है, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर आप बात करें तो इसका एंडोस्केलेटन जो होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड स्केल्स पाई जाती है, ठीक है। जबकि उसमें क्या होती है, कैनोइड, ठीक है, क्या होता है, कैनोइड स्केल पाई जाती है, कैसी कैनोइड स्केल्स पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो माउथ होता है, ठीक है, तो वो माउथ जो होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है। इसमें जो माउथ होता है वो किस तरीके का होता है, माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है, इस तरीके का इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें क्या है, माउथ जो है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो इसमें जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, और जो बोनी फिशेस होती है उसमें टर्मिनल टाइप का माउथ पाया जाता है, ठीक है। अगर हम गिल्स इंटेस्टाइन की बात करें तो स्क्रॉल वॉल पाया जाता है, ठीक है। क्या है, अगर हम इसकी इंटेस्टाइन की, मतलब इसमें जो आंत जो होती है इंटेस्टाइन की हम बात करें तो ये क्या है, कैसा होता है, इंटेस्टाइन हैज अ स्क्रॉल वॉल, ठीक है, स्क्रॉल टाइप में होता है, ठीक है, स्क्रॉल वॉल टाइप, इसमें जो इंटेस्टाइन होती है वो पाई जाती है, स्क्रॉल टाइप होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये एब्सेंट होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन इसमें क्या होती है, स्क्रॉल वॉल टाइप में पाई जाती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या होती है, एब्सेंट होती, प्रेजेंट नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं हो पाती, ठीक है। अब इसमें स्विम ब्लैडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो पखने होते हैं, क्या है, स्विम ब्लैडर, ठीक है, स्विम ब्लैडर क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इस कार्टिलेज फिशेस में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें बोनी फिशेस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो पकने जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिससे वो स्विम आसानी से कर सकते हैं, मीन्स बड़े बड़े चीज़ें जो होती हैं पकने होते हैं वो स्विम ब्लैडर कहलाते हैं, जो कि एब्सेंट होते हैं कार्टिलेज में और इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक। अब एक्सक्रीशन जो होता है यूरियोटेलियम टेलिस में, ठीक है, जो एक्सक्रीशन इसमें होता है कार्टिलेज में, क्या होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटेलियम, ठीक है, एक्सक्रीशन जो सिस्टम होता है वो किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है, यूरियोटेलियम एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन पाया जाता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, अमोनो मीन्स अमोनिकल कह सकते हैं, ठीक है, अमोनियम
अमोनियम लेस टाइप का इसमें एस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कॉडल फिल जो होते हैं, हेट्रो सर्कल होते हैं, जो कॉडल फिल होते हैं, कॉडल फिन्स, ठीक है, क्या होते हैं, हेट्रो हेट्रो सर्कल होते हैं, ठीक है। और उसमें कैसे पाए जाते हैं, मोस्टली हीमो सर्कल होते हैं, क्या होते हैं, मोस्टली हीमो सर्कल, ठीक है, इस तरीके से इसमें कॉडल फिन पाए जाते हैं, ठीक। डॉर्सल फिन की अगर हम बात करें तो इसमें जो डॉर्सल फिन होता है, कॉडल फिन हो गया हमारा, अब डॉर्सल डॉर्सल फिन की अगर हम बात करें तो ये इसमें कितने होते हैं, टू, ठीक है, टू होते हैं, ठीक है, जबकि इसमें जो होते हैं केवल वन पाए जाते हैं डॉर्सल फिन, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया कार्टिलेज और बोनी फिशेस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से ये इधर एक दूसरे से ये डिवाइड होने का काम करती है, किस तरीके से डिवाइड होती है, ठीक है। अब अगर हम एक फिश की बात करें, ठीक है, तो फिश की स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होती है, किस तरीके से कुछ फिश पाई जाती है, जैसे रेडियो कहा जाता है या रेडियो रोहिता है, ठीक है, अस्थिरबीज कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर एक फिश की होती है। अब इसमें कैसे कॉडल फिन्स डॉर्सल फिन्स किस तरीके के पाए जाते हैं, वो सारी चीजें इसको आपको बताएंगे, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ होती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारी आईज हो, ठीक है, ये क्या है, एक आईज है, इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ होती है। इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा जो एरिया है ये क्या कहलाती है, आइज कहलाती है, ठीक है। ये जो एरिया हमारा है, यहाँ पास जो एरिया ये पार्ट बनता है, ठीक है, ये जो पार्ट बनता है ये क्या कहलाता है हमारा, मैक्सिलरी बल्बिक कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, मैक्सिलरी बल्बिक, ठीक, क्या है, मैक्सिलरी बल्बिक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये एरिया जो है, ये एरिया जो पार्ट है, ठीक है, ये एरिया क्या है, माउथ कहलाता है, मुंह से बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, माउथ है। उसके बाद जो ऑपरकुलम होता है, मीन्स ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया पार्ट पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरकुलम, क्या कहलाता है, ऑपरकुलम, ठीक है। ये जो हमारा फिन्स है, ठीक है, ये जो फिन्स है, ये फिन्स हमारा जो होता है ये क्या कहलाता है, इसी को इसको क्या कहते हैं, पेक्टोरल फिन कहते हैं, पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से ये सारे फिन्स हैं, ठीक है,
ये हमारा क्या था, पेक्टोरल फिन्स था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पेक्टोरल फिन्स थी और ये जो फिन्स है इसको क्या कहते हैं, पेल्विक फिन्स है, ठीक है। क्या है, पेल्विक फिन्स कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा जो पार्ट है क्योंकि वेंट्रल साइड में स्थित होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, वेंट्रल फिन्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रल फिन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये एरिया होता है, ये क्या है, फिन्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये हमारा जो फिन्स है ये क्या कहलाता है, फिन्स कॉडल फिन्स कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉडल फिन्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ऊपर का एरिया पार्ट है ये हमारा कहलाता है डॉर्सल फिन्स, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कार्टिलेज और पॉलीफिसेस में किस तरीके से कौन सा पार्ट है, देखिए जो ऊपरी एरिया में होता है वो डॉर्सल कहलाता है और नीचे का जो एरिया में होता है वो वेंट्रल फिन्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिड लाइन हमारी होती है ये, ठीक है, ये मिड लाइन जो होती है यहाँ रखी रहती है, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाती है, लैटरल लाइन कहलाती है, ठीक है, लैटरल लाइन, ठीक है। क्या है हमारी, लैटरल लाइन है। उसके बाद ये जो स्केरीज एरिया है, मतलब ये एक तरीके से हम मान लें कि यहीं से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने का काम करती है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्केल्स कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्केल्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, एक फिस की स्ट्रक्चर थी, लेब्यू रोहिता इसका नाम है, क्या नाम है, लेब्यू, ठीक है, लेब्यू रोहिता इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉर्सल फिन्स कहाँ पाए जाते हैं, लैटरल लाइन कहाँ होती है, वेंट्रल फिन्स कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विक फिन्स कहाँ पाए जाते हैं, पेक्टोरल फिन्स क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डायग्राम के माध्यम से आज बताया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, कोई वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो हमसे कहिए, ओके, हैव अ गुड डे।